यदि अपना सड़कन माँ चार पहिया चलाई थे तो यह खबर अपना खीतिर बेहद महत्वपूर्ण है। आज रात से कुछ ऐसा बदलाव हो लागे जौने के चलते अपना यदि वह बदलाव के अनुरूप नहीं आए हैं तो अपना के जेव माँ दुगना ओकर असर बढ़ी जाइए और दुगनी जेब खाली हुई। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि आज रात 12 बजे यानी 16 फरवरी के सभी वाहनन पर फास्टैग अनिवार्य हो जाए। फास्टैग नहीं हो माँ दुगुना टोल टैक्स दे का हुई या संबंध में परिवहन मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर दिन का है। परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक टू व्हीलर का छोड़ के सभी वाहनन में 15 फरवरी रात 12 बजे से फास्टैग लगाऊ बनवारी हुई। 16 फरवरी से बिना फास्टैग लगे वाहनन का टोल प्लाजा पर दुगुना टोल टैक्स या जुर्माना दे का हुई। फास्टैग लगे वाहनन का टोल प्लाजा पर रुके की जरूरत नहीं आए। दरअसल जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहले 1 जनवरी से टोल प्लाजा में कैश लेन देन जो है बंद करे के फैसला किन गा रहा, लेकिन कोरोना संकट काल में 1 तारीख में बढ़ोतरी करत की 15 फरवरी से फास्टैग का अनिवार्य रूप से टोल का भुगतान करे के फैसला किन गा रहा। इसके चलते अब रविवार के रात जो है 12 बजे से सब टोल प्लाजा में कैश लेन देन बंद हो जाए। हालांकि जो है आज रात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI के द्वारा जो है सोमवार के रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा में कैश लेन देन बंद करे के निर्देश दिए गए हैं। अब वाहनन का टोल सिर्फ फास्टैग से दे का हुई, जिनके पास फास्टैग नहीं आए उनका दुगुना टोल दे का पड़ी। कौनो विवाद पैदा ना हो एक ही टोल प्लाजा में सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं और साथ में स्थानीय पुलिस से मदद मांगी गई है। का आए फास्टैग पहले यू का समझ गई। फास्टैग जो है एक प्रकार के टैग और चिपाई या कार्ड में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होते हैं, जोने के कारण कार के विंड स्क्रीन पर एक लगा बजा थे जिसके जरिए अपना जो है टोल प्लाजा में टोल टैक्स के भुगतान कैशलेस कर सकी थे। जब फास्टैग लगी कार टोल प्लाजा से गुजरी तो ऐसा स्थिति में टैक्स डायरेक्ट वाहन मालिक के खाता से कट गई। यह तरह से बिना रुके टोल टैक्स के भुगतान ऑटोमेटिक तरीके से हो जी। वाहन में लगा यह फास्टैग कार्ड जनता के प्रीपेड खाता के एक्टिव होने के बाद है अपन काम करत है। फास्टैग अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाए तो वो का दोबारा रिचार्ज करे के पड़ी। तो निश्चित तौर पर यह एक सुविधा और एक व्यवस्था जो है परिवहन विभाग के द्वारा लगाई जा लगी कि फास्टैग जो है एक ऐसा सुविधा है जो उन्हें माँ समय की बचत हुई, ईंधन की बचत हुई। सरकार की यह दलील है और यह कहा जा लगे कि फास्टैग लगे से जो कहा थे कैशलेस एक तरीके से व्यवस्था बहाल हुई। तब देखा दिलचस्प हुई कि यह फास्टैग के नई नियमावली का लेके अब कहे कि यदि हमें नियमावली आई है तो निश्चित तौर पर टोल प्लाजा में अबे कई एक लोग इतना जागरूक नहीं आई फास्टैग के बारे में जनता नहीं लागा ही उनका लागत है कि आखिर यह कौन में सिस्टम काम कर रहे थे। जागरूकता के अभाव के चलते लोग अबे एक फास्टैग के आदि नहीं भी आई, किंतु अब हो के पड़ी कहे कि सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिन गया है और साफ तौर में यह बात कह दिन गया है कि जेके गाड़ी में फास्टैग न लगा रही उसे दुगुना टोल वसूला जाए। अपन बहुत ख्याल रख, अपने परिवार के बहुत ख्याल रख। धन्यवाद, प्रणाम।